मैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, चीफ ऑफ न्यूफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट एट बालाजी एक्शन हॉस्पिटल। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है, 10% हमारी पॉपुलेशन इससे सफ़र करती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इसके कॉमन कॉजेज हैं। 65% ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज are due to diabetes and blood pressure. The other causes are chronic glomerulonephritis, a family history of kidney disease, infections, stones. Painkiller ek important karan hai. Indiscriminate use of painkiller se kidney kharab ho jati hai. Iske bare mein hame khyal rakhna chahiye. Kidney ko kaise bachaya ja sakta hai? Hame apne weight ka khyal rakhna chahiye. Weight nahi badhne dena chahiye. डाइट हमें रेगुलर अच्छी खानी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर, और नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल मॉडरेशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, पानी कम से कम 2-2.5 लीटर लेना चाहिए, और पेन किलर्स डॉक्टर की राय से ही लेना चाहिए। और जो पेशेंट जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको एनुअल रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। एनुअल रेगुलर चेकअप में कोई ख़ास बात नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है, यूरिन चेक कराना है, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन चेक कराना है। टोटल टेस्ट 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते हैं और हमें अपनी किडनी के बारे में पता चल जाता है।